हाय, आपसे कुछ बात करनी है। यश, वो बाबूजी बहुत नाराज है। मैं जानता हूं भैया, मेरी प्रॉपर्टी बेचने की वजह से वो मुझसे बहुत नाराज है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बस एक बार अंश को मैं सही सलामत घर वापस ले आऊं, मैं बाबूजी को मना लूंगा। यश, वो बात इतनी सीधी नहीं है। क्या बात है भैया, मुझे बताइए। वो उसी का फोन है, उसी का फोन है। यस, स्पीकर पे डाल दो। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं यश इंडिया बोल रहा हूँ, अंश का पापा। देखिए, पैसों का इंतजाम हो गया है, मुझे आना कहाँ है? शाबाश, ये हुई ना बात। अब ऐसा करो कि ये 10 करोड़ रुपया लेके 1 घंटे में लाल घाटी के पीछे पहुंच जाओ, उसके बाद का रास्ता मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, पुलिस को साथ में लाने की बेवकूफी मत करना। ये मत भूलना कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर मेरे साथ जरा से भी होशियारी करने की कोशिश की ना, तो तेरे छोकरे की जान। नहीं नहीं, अंश को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे और हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज अंश को कुछ मत कीजिएगा, एक बार प्लीज अंश से बात करा दीजिए। क्या बात करानी, पैसे मुझे दे दो और उसके बाद अपने बेटे को ले जाओ, फिर गले लगा के जितनी बात करनी है करते रहना तुम। इतना पत्थर दिल क्यों बनता है, एक बार बात करवा देना बच्चे से। मामा करते करते सो गए, करवा देना बात। हे बाबू, मम्मी से बात करें। मम्मी, तुम्हारी मम्मी, उठो देखो, मम्मी मम्मी से बात करो। ले, अपने माँ से बात कर। मम्मी 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 बात करो। मम्मा, अंश, अंश, अंश कैसे हो? अंश घबराना मत, तुम्हारे पापा और मम्मा अभी तुम्हें लेने आ रहे हैं। जल्दी आओ मम्मा, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, डर लग रहा है। अंश बेटा, आप हमारे स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना, तो डरो मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। प्रॉमिस पापा। प्रॉमिस बेटा। अंश, अंश आप अपना। बहुत हुआ, चलो अब जल्दी निकलो। आप बेफिक्र रहिए, मैं अंश को लेकर ही आऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैंने बाबूजी को बता दिया है। रुको यश, मेरी बात नहीं मानी तुमने, बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हो तुम, सावधान रहना। मैं आता हूं बाजी। तेरी रक्षा करे बेटा।
आदत से मजबूर है ये लड़की, इतने बरसों अकेली जी रही है पति के बिना, मनमानी तो करेगी ही। इसीलिए तो घर में मर्दों के होते हुए भी चली गई गुंडों के बीच, जैसे यश इसे मेले या सिनेमा दिखाने ले जा रहा हूं। शाबाश, बिल्कुल सही टाइम पे आए भाई तुम लोग। लगता है अपने बेटे से बहुत प्यार है तुम्हें। पैसे का इंतजाम हुआ ना? बहुत बढ़िया, अब तुम लोग वहीं रुको और ये पैसों का बैग इधर फेंको। जब तक बच्चा हमारे सामने नहीं आता तब तक तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, बच्चे को दिखाओ। अर्श, रुक जाओ, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो तुम लोग। तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है, अगर गड़बड़ी करने की कोशिश की ना तो ये मुट्ठी खुल जाएगी, समझे तुम लोग? उस किडनैपर से अभी बात हुई यशी कमिश्नर साहब, और वो पैसा लेकर जा रहा है। लाल घाटी के पीछे आने को कहा है उसने। आई एम सॉरी, मैं उसको रोक नहीं पाया, लेकिन सर मैं ये चाहता हूं कि आपकी टीम उसके पीछे रहे। लेकिन सर अब इस बात का पता यश को नहीं चलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यश को पता लग गया जी तो वो बहुत भड़क जाएगा। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो बीच में बोलने की जरूरत क्या है? चुप नहीं रह सकती हो? अगर मैंने कोई कदम उठाया है तो सोच समझ कर ही उठाया होगा। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यश के पीछे पीछे पुलिस जाएगी तो उन गुंडों से बिना पैसे दिए अंश को छुड़वा लेगी। सरदर्दी से मुक्ति पाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएं, ये कहाँ की समझदारी? आप ठीक कह रहे हैं। चल अब ये बैग को आगे फेंक। नहीं, पहले बच्चे को हमें लौटा दो, उसके बाद तुम ये पैसे ले जा सकते हो। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बच्चा तुम्हारा अगवा हुआ है, मेरा नहीं। यजी, चाची वो जैसे कह रहे वैसे कर दीजिए ना प्लीज। यजी प्लीज, आज की जान खतरे में। अरे चल बैग फेंक। ये हुई ना बात, चल देख। चल ले क्या? मैंने कहा ना पहले बच्चे को लौटा दो, उसके बाद पैसे लेके जाओ। हेलो भाई, ये लो पुलिस को भी साथ में लेकर आए हैं। क्या? ठीक है भाई, लोगों ने पुलिस को भी साथ में लाया है। मना किया था तुम लोगों को कि साथ में पुलिस मत लेके आना, लेकिन फिर भी साथ लेके आए। नहीं नहीं भाई साहब, हमने पुलिस को नहीं बुलाया। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब मैंने तुम्हें कहा ना हमने पुलिस को नहीं बुलाया, बच्चे को लौटा दो उसके बाद पैसे लेके जाओ। हाँ पैसे तो मैं लूंगा ही,
तुम्हारे पैसे भी लूंगा और तुम्हारा बच्चा भी अब तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। ए! फेंक दे इसके बच्चों को नीचे। अबे डर क्या रहे हो? मारो इसे, बच रहना चाहिए सर। अरे कहाँ छुप गए हो तीनों? ढूंढो उन्हें, बचने नहीं चाहिए। जाओ। मम्मा मैं बहुत बुरा हूँ, इसके लिए मेरे पहले पापा भी मुझे छोड़कर चले गए ना। ये पापा भी जाएंगे पुनर्विवाह।